हो गई रेडी? हो गई। बोलो तो चांद मुबारक। यार दुख भी हो रहा है रोजे जाने का। दुख भी होता है ना, सब बोलते हैं कि बहुत दुख होता है। सहर आपका अलग ब्लॉग चल रहा है क्या? गाइस चांद दिख गया है, सबको चांद मुबारक। चांद को चांद मुबारक। तो 1 मिलियन फॉलोअर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तुम्हारी मैडम सुबह सुबह उठ के हो गई हैं तैयार, क्योंकि कल ईद है, चांद आता है, बहुत सारे काम करने हैं। और आज भी ईद हो गई है बहुत सारी जगहों पर। मैं देख रहा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कश्मीर में और पाकिस्तान में भी, शायद आज ईद हो गई है। तो हमारी ईद कल है और आज शिल्पा के हमने सुबह उठ कर देखा तो हो गए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो वो उसकी भी हम लोग थोड़ी सी पार्टी करेंगे और अच्छी सी आज, क्योंकि लास्ट रोजा है तो इफ्तार अच्छे से करी जाएगी, सारी तैयारियां करेंगे। शादाब भी गया हुआ है एम्बेसी, उसका US वीजा का आज अपॉइंटमेंट था, तो देखते हैं उसे वीजा मिलता है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं व्लॉग में आगे, और आज का पूरा दिन होने वाला है पूरा हर्ष और उल्लास से भरा हुआ। तू कहां लगी पड़ी है, उसको वीजा मिल गया US का, पार्टी लेनी है इससे पूरी, छोड़ेंगे नहीं आज इसे, अमरीका जाएगा ये। हाँ भाई, खानदान का पहला लौंडा जिसको अमेरिका का वीजा मिला है। हमने तो खैर अभी अप्लाई नहीं करा, कपड़े पैक हो रहे हैं। कहाँ है वीजा, कहाँ है वीजा? मतलब हो गया, अप्रूव हो गया, एक हफ्ते में घर आ जाएगा। अब ये तो पार्टी, और ये क्या कर रहा है? पार्टी दो। कपड़े कहाँ लेके जा रहा है? पैकिंग कर रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ अभी से ही। और क्या जी, अमेरिका जा रहा है। पार्टी पार्टी दो ना, बोलता रहूं तू दे पार्टी, दोस्तों पार्टी लेके जा, मानेंगे ऐसे छोड़ेंगे नहीं इसको। यार आज का इफ्तार शराब की तरफ से। हाँ आज का इफ्तार, सारे इफ्तार तेरी तरफ से, ठीक है। मेरे US वीजा की जो US की जो ट्रिप है उसका बजट कम हो जाएगा, मैं नहीं दे रहा वो बजट, हम दे देंगे। बजट है कितना तेरे ट्रिप का? मेरे पास तो ऐसे ही है 70-80 हजार। 70-80 हजार तो एक काम कर, सुन मेरी बात सुन, ज्यादा ज्यादा परेशान मत हो, मनाली घूमा, ठीक है। तो टिकट भी नहीं होगी अमेरिका की, आप दोगे ना, आप सुनाऊंगा भी पैसे। भाई ऐसा है शिल्पा सुन, दो किलो चिकन चंगेजी, 2 किलो चिकन लॉलीपॉप और कबाब, और जितना भी सामान आज ऑर्डर करना कर ले, पैसे ये देगा। ये आज का इफ्तार शादाब की तरफ से दोस्तों, आज जितना भी इफ्तार लगेगा, सबका रोजा है तो आज जो होगा इफ्तार शादाब टीवी। दिन की दो खुशी हो चुकी है, 1 मिलियन फॉलोअर, दूसरा इसका वीजा। तुमने मुझे बधाई दी और मेरे 1 मिलियन हो गए इंस्टा पे। बधाई हो। और अभी एक जो सबसे बड़ी खुशी है वो आपको लास्ट में बताऊंगा व्लॉग में, इफ्तार के बाद जो मेन वाली खुशखबरी आपको देनी है, ये वाली नहीं है। अम्मी के पास चलो, मम्मी को तो बता दे। चल। हाँ जी दोस्तों, मिलिए हमारी शहर से, बहुत दिन से आपने व्लॉग नहीं देखा तो आप शहर से भी नहीं मिले होंगे। अब शहर जा रही है आज अपनी चांद रात का आउटफिट पहनने, आखिरी रोजा है और फिर हम बनाएंगे इफ्तार। एक्साइटेड? और कल क्या है? ईद। आज हम नाइट में चांद भी तो देखेंगे, चांद भी देखेंगे, मेहंदी भी लगाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। चलो पहले मम्मा के बेटा होठ सूख रहे हैं, चलो पहले इफ्तार बनाएं। हो गई रेडी? बोलो तो चांद मुबारक। चलो अब इफ्तारी की तैयारी करें। हाँ जी, तो मैं इतनी देर आई, मैंने काट लिए फ्रूट्स, यहाँ चढ़ गए तेल, यहाँ बन गया है मेरा नींबू पानी और फ्रूट्स काट रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है शहर को तो ईद की, है ना। और अभी जाएंगे हम इफ्तार के बाद चांद देखने, ठीक है। चलो जी, एक इंसान हमारे घर में ऐसा है जिसने एक रोजा नहीं छोड़ा है और वो है अम्मी। बाकी सब ने थोड़े थोड़े बीच बीच में गैप किए हैं, अम्मी ने सारे रोजे रखे। कैसा लग रहा है अम्मी लास्ट इफ्तार? बहुत अच्छा लग रहा है, दुख भी हो रहा है रोजे जाने का। दुख भी होता है ना, सब बोलते हैं कि बहुत दुख होता है कि महीना खत्म हो रहा है, और कल ईद है, पर ईद पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग गाँव नहीं जा रहे हैं। हमारा प्लान था जाने का, पर थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी क्यों। जाएंगे 3-4 दिन बाद जाएंगे। तो बस अब चलते हैं फटाफट, इफ्तार में बचे हैं 15 मिनट, फटाफट रेडी हो जाए। चलो अभी आ जाओ फटाफट टेबल पे। ये देखें दोनों की दोनों इफ्तार टेबल सजाती हुई, घर की दोनों बेटियां। आप क्या कर रही है? आप क्या कर रही है फुफो? नींबू पानी। और मम्मा करेगी बाकी की टेबल सेट। दादी क्या हो गया? चलो हाय साहिर, बोलो चांद मुबारक। वो स्टार्ट हो गया, बच्चों पे सब अलाउड होता है, कह रहा है सब्र नहीं हो रहा,
इसके चार चार सौ हो रहा है। हाँ जी, क्या क्या है इफ्तारी में? इफ्तारी में है नगेट्स हैं, पोटैटो बाइट्स, नूडल्स, चिली चिकन, ये और वो हमने बनाए गोभी के पकौड़े। हाँ, ये गोभी के पकौड़े कुछ ज्यादा स्पेशल है। इधर रखो, रख लीजिए ना सबकी प्लेट में। कोई बात नहीं, ले लेंगे। ठीक है सहर, आपका अलग ब्लॉग चल रहा है क्या? हाँ। मेरे ब्लॉग में ही आ जाओ आप भी। ठीक है, मेरे ब्लॉग में आओगे तभी मैं आपके ब्लॉग। ठीक है चलो। ये है मेरे दादू, ये है मेरी दादू। हाय कह दो मेरे दोस्तों को। दादी हाय कह दो मेरे दोस्त। हाय कह दो सहेदी, सही अब सहेदी के दोस्तों को। ऊपर तो उठाओ कैमरा। शिल्पा खटवानी हाय कह दो दोस्तों को। शदाम टीवी हाय कह दो मेरे दोस्तों को। साजिद हाय कह दो मेरे दोस्तों को। हाय लिटिल सर। तारी हो चुकी है टाइम। क्या कह रहा है फूफो, कैसी हो? क्या कह रहा है? कैसी हो फूफो, कैसी हो? शदाब टीवी का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ चिकन खाने में रहता है। गोभी के पकौड़े भी खाओ, फ्रूट्स खाओ। तुम खा लो चलो चलो जल्दी, चांद आ गया। खाना बाद में, पहले चांद तो देख लो, नहीं देखा तो आओ मी कम कम कम। चलो चलो चांद देखेंगे। आराम से आराम से आराम से, एक्साइटमेंट कंट्रोल करें। गाइस चांद दिख गया है, सबको चांद मुबारक। आ जाओ अम्मी, चांद दिख गया है, चांद मुबारक। देखो देखो। हाँ जी हाँ जी, चांद मुबारक। आपको भी चांद मुबारक। साजिद, हमें आपसे एक शिकायत है। कहिए कैसी शिकायत? अभी पापा ने अम्मी को तो चांद मुबारक बोला, आपने तो हमें बोला नहीं। चांद को चांद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। चले अब हमारी मेहंदी लगेगी सबसे पहले, फर्स्ट कम्स फर्स्ट। ठीक है हाँ। और ईदी में क्या मिल रहा है मुझे कल? ईदी में बहुत कुछ मिलेगा, कल का कल बताएंगे ईदी का। और सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हम चले तैयारी करने, सुबह क्या बनना है कैसे करना है चल के मुझे अम्मी के साथ डिसाइड करना है। चलो जी नीचे चले सबसे पहले। तो सारी औरतें लगवा रही हैं मेहंदी घर की, और हम अभी आ गए थे नीचे। अब याद आया कि केक काटना रह गया। शिल्पा आजा जल्दी, कहाँ है केक? लेके आओ, लेके आओ, आओ केक काटते हैं। चलो चलो चलो, मैं अब अपना केक खुद थोड़ी लगाऊंगी। नहीं मैं ही लगाऊंगा, दो दो केक है। हाँ दो दो केक है। चलो शहर आओ डेकोरेट करते हैं। चलो पहली बार क्या भैया काम करते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस। हमें चाकू देना है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1 मिलियन फॉलोअर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारी बात मानी। क्या 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 बालों में क्या हो गया? तो ये हैं हमारी फातिमा आंटी, आपने देखा होगा, ये हमारी किचन की मिनिस्टर हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 10 लाख फॉलोअर हो गए। शादी के सालगिरह पापा तो लाए गए। पापा केक केक खाओ, केक आओ इधर, केक तो खाओ। इधर दादू को सिर्फ ब्रेड पार्ट देंगे थोड़ा सा। लो पापा सिर्फ ब्रेड दे रही हो। क्या प्लान बता रही है? मैं ये बोल रही हूँ कि सबको सूचित किया जाता है कि अम्मी जा रही है फातिमा आंटी के साथ राशन लेने और सुबह के सारी चीजें की तैयारी लेने, क्योंकि परवेज नहीं है। हाँ। तो खाना बाहर से आएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं? कल की तैयारी होनी चाहिए, आज बाहर से मंगा लो। मेहंदी टाइम, मेहंदी टाइम, मेहंदी कौन कौन लगाएगा? ठीक है शोल्डर तक, मैं तो यहाँ तक लगाऊंगी और फीट में यहाँ तक। आप भी लगाओगे मेहंदी? लगवाओगे? पापा को बोलो, पापा मम्मा को मेहंदी लगा दो। पापा को मेहंदी लगाने नहीं आती बेटा, मैं बस चूना लगा सकता हूँ। ये बात तो सच।
हाँ जी गाइस, तो यार आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। मैंने कहा आज खुशियां ही खुशियां थी पूरे दिन। तो सबसे पहले थी कि शिल्पा के 1 मिलियन हो गए थे सुबह सुबह, सेकंड शादाब का वीजा लग गया, और थर्ड जो मैं आपको बताने वाला था वो है मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हो गई है। जो हम लोग आपको व्लॉग में ही बताया था कि ढूंढ रहे हैं लड़का, फाइनली सब कुछ हो गया, अब हम करेंगे कल की तैयारी। तो आप भी ईद की तैयारी करो, चांद रात है, अच्छे से मौजे करो। रोजे आज खत्म हो चुके हैं, कल ईद है, और एक साल बढ़िया जाएगा। शादी की शॉपिंग वॉपिंग में लगेंगे, पूरी एक्साइटमेंट शादी सारे फंक्शंस, तो फुल मजा आने वाला है। और बस अब मेरी मेहंदी वाली दीदी आ गई है, मैं लगवाना शुरू करूंगी मेहंदी, और आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, लव यू ऑल।